વેલકમ બેક સીધા જઈશું નેટવર્ક 18 ના અભિયાન સંજીવની અ શોર્ટ ઓફ લાઈફ ટેલિથોન માં સે અતિક વેક્સિન લગાને કા ગૌરવ હાસિલ કિયા હે આજ અગર દેશ ને યહ ઉપલબ્ધિ હાસિલ કી હે તો ઇસમે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જી કે સમર્થ નેતૃત્વ વિભિન્ન સ્તર પર સરકાર કી પ્રતિબદ્ધતા હમારે હેલ્થ વર્કર્સ કે પરિશ્રમ और मीडिया एवं सामाजिक संगठनों द्वारा की गई जागरूकता की प्रमुख भूमिका रही है। मित्रों, जब कोरोना संकट आया तो पूरी दुनिया हैरान थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या रास्ता होगा, कैसे इस बीमारी को फैलने से रोका जाए, कैसे इस बीमारी से ग्रस्त होने वाले लोगों का इलाज हो, कैसे इसकी वैक्सीन विकसित हो, ये सारी चिंताएं थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसकी तैयारी समय से शुरू कर दी। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा, दो गज दूरी मास्क है जरूरी, इसके जरिए उन्होंने कोरोना से बचाव के पक्ष पर लोगों में जागरूकता लाई। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के मरीजों के इलाज का बेहतर प्रबंधन देश ने देखा। यह प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा ही थी कि जितने समय में दुनिया के विकसित देशों ने कोरोना वैक्सीन विकसित की, उतने ही समय में भारत ने भी स्वदेशी कोवैक्सीन विकसित कर ली। हमारे यहाँ की कंपनी जायको डी के रूप में दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन भी डेवलप कर ली। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने आपदा में आत्मनिर्भरता की राह चुनी। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, जिसने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज आयत नहीं की। हमने अपनी जरूरतों को पूरा किया और अब हम वैक्सीन के मामले में दुनिया की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी चिंता यह भी थी कि अगर वैक्सीन बन भी जाए तो उसे कैसे लगाया जाए, इसमें एक्शन प्लान क्या होगा। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमें चलाना था। हमने कोविन के रूप में ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया जिसने हमारे पूरे वैक्सीन अभियान का ऐसा मैनेजमेंट किया जो आज पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई है। कोविन के जरिए आज रजिस्ट्रेशन से लेके सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस स्मूथ और सिंपल बन गया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर एक दिन में अगर हम 2.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगा पाए और देश ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो इसमें हमारे कोविन प्लेटफॉर्म, हेल्थ केयर वर्कर्स और देश की जनता की शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री जी के सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान का कमाल है कि वैक्सीनेशन के मामले में आज दुनिया के विकसित देशों को भी पीछे छोड़ चुका है। आज भारत अपने 85% से अधिक वयस्क लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 54% से यानी आधे से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगा चुके हैं, यानी उनका पूर्ण वैक्सीनेशन कर चुका है। यह भारत के लिए गौरव का विषय है। अंत में इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को यह कहना चाहूंगा कि कोरोना भी गया नहीं है, ओमिक्रॉन के रूप में नया वेरिएंट आया है, इसे डरना नहीं है लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। मास्क, वैक्सीन
और कोविड अनुकूल व्यवहार जारी रखना है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली या जिनकी दूसरी डोज बाकी है उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना है। एक बार फिर से वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 की पहल की मैं हार्दिक सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जन स्वास्थ्य के मुद्दे पर नेटवर्क 18 की ओर से ऐसी पहल होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनसुख मंडाविया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वादा है नेटवर्क 18 की तरफ से, मैं कर रहा हूँ, शिरीन कर रही हैं कि हम जब भी जन कल्याण की कोई मुहिम होगी और खासकर संजीवनी जैसी एक मुहिम होगी, इससे हम हमेशा जुड़ेंगे। अलग अलग पहलू इसके हो सकते हैं पर हमेशा जुड़ेंगे। लेट्स गो बैक शिरीन, वी गॉट श्याम श्रीनिवासन, CEO एंड MD फेडरल बैंक एंड टू अदर वेरी स्पेशल गेस्ट। शोभना कामिनेनी इज विद अस एंड द पर्सन हुज क्रिएटेड दिस ट्यून व्हिच हैज बिकम अ रेज ऑन ग्राउंड अक्रॉस मल्टीपल लैंग्वेजेस। Shankar Mahadevan is with us. Absolutely. It's great to have you, Shobhana and Shankar, and of course, Mr. Srinivasan, welcome back. We were just listening to the minister and the very important milestones that the minister was talking about in the journey that we've been able to cover so far. But Mr. Srinivasan, let me come back to you now. You know, you've pretty much been part of this journey from the time that we started it. Any specific moments, any specific anecdotes that really highlight the spirit of what Sanjeevani has been? Sure. You know, I remember speaking to Anand just when Shankar was launching the Sanjeevani Anthem. One of the questions he had asked me, and what is the standout moment? I just want to recall that moment. The little hair I have still stands out when I recall that incident. It was, I think, somewhere in Dakshin Canada. There was a picture of a dad holding an umbrella and a young child studying in the open, because that's where the network was available. When asked, how come you're standing in the rain and letting your child study? His response apparently was, I'm vaccinated, and it because of the Sanjeevani program that I got my chance to vaccinate. And that story is really quite special. It had so many nuances to it. One, the dad-daughter relationship. Second, study. Third, that was all possible only because of the vaccination. So I think that had a sort of a telling moment, and that sort of stuck. And I'm sure there are numerous stories when our colleagues who are going to talk to you later in the day recall, each one of them will be quite sort of touching moments. But all that happened over this period of time, this is sort of stuck in my head, and it really talks about how the outreach was quite special. And as I bring in Shankar sir, I must say that recently I was here in Mumbai for a shoot, and I had some of the crew who were part of it humming the Marathi version. They were just humming the Marathi version, Shankar sir. So that Lasage, Lasage, they were actually, humming the Marathi version. So we've got the Telugu version, the Marathi version, Punjabi, Hindi version, multiple languages. But Shankar sir, this Tika Laga idea, I have to tell you, tell us the thought behind this, because when I asked you, you said, Anand, let's do it. You're one of the first to put out a picture to say, I've got my vaccination done. Anand, it's really, nostalgic, because it's 9 months since we've launched this album. And, when we think of how just a few of us, we sat there and we just conceptualized the idea, Initially, it was supposed to be Sanjeevani, was supposed to be the, hook line of the song. And then we said, no, if you use Sanjeevani is a beautiful musical name. But then we said, let's make it. If you remember, I'm just, recalling those moments, because this is a time when we can, kind of celebrate our anthem that it has succeeded so much. So then we said, okay, let's have a snappy, very, catchy, piece of lyrics, which is like Tika Laga. Tika Laga is a very musical thing. And then he said, let's use that. And all of y'all were excited. And then we got together. I think, the success of this anthem is not only because, we created it and it's a great anthem. Of course, we're all proud of it. But I think it's the teamwork of you people, News 18, Shyam Srinivasan and Federal Bank, with whom I've been associated for more than like 15 years. Our health ministry, our government. I mean, all of us, we put our energies out there, positive energy, and see to it that when there were
a lot of speculation and what is going to happen. No, it's not happening in our country, this, that, and all. We said we have to make this happen, put that anthem there, not only in one language, multiple languages.